हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉक टाइल एंड सेरेमिक क्लीनर पे। मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। थैंक यू सो मच कि आपको मेरे वीडियो इतने ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। आपकी जो भी क्वेरी होती है उसे मैं कमेंट सेक्शन में सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, और बहुत सारी क्वेरीज़ के रिगार्डिंग मैंने अपने चैनल पे वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं। उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आई बटन पे भी मेंशन कर दूंगी। तो आप सबकी एक क्वेरी कॉन्टिन्यूसली इस वीडियो के रिगार्डिंग आ रही है कि मैंने उस वीडियो में उल्टे ग्लव्स क्यों पहने हैं, सीधे ग्लव्स क्यों नहीं पहने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जिन ग्लव्स का यूज़ मैं उस टाइम कर रही थी, उस ग्लव्स पे उस ब्रांड का नाम मेंशन था, उस ब्रांड की ब्रांडिंग मेंशन थी, और मैं किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने उस टाइम उस पर्टिकुलर वीडियो में उन ग्लव्स को उल्टा पहना था। तो आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मेरी वीडियो की अपकमिंग नोटिफिकेशन आप सबको टाइमली रिसीव नहीं हो रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस आपको चैनल को एक बार अनसब्सक्राइब करना है, उसके बाद फिर से सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लेना है, ऑल पे सेट कर लेना है। उसके बाद मेरी वीडियो के अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर दिया है। उसके अलावा भी अगर आपकी और भी क्वेरियाँ हैं तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब मैं आपको वो टाइल फ्लोर दिखा रही हूँ जिस पे टेप लगा हुआ है। मैंने इस फर्श पे कुछ टेप का काम किया था और गलती से ये टेप इस टाइल फ्लोर पे लगा रह गया था, और मैं इसको क्लीन नहीं कर पाई थी, तो इसलिए बुरी तरह इस टाइल फ्लोर से चिपक गया था। और मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं इस टेप को इस टाइल फ्लोर से हैंड की हेल्प से रिमूव कर दूं, लेकिन कुछ टेप तो ईजली रिमूव हो जा रहा था, लेकिन आप देखेंगे आगे वीडियो में बहुत सारा टेप अभी भी टाइल फ्लोर पे बुरी तरह चिपका हुआ था। अगर आप बहुत दिन के लिए टेप को टाइल पे छोड़ देते हैं तो उस पे लगातार गंदगी भी जमती रहती है और उसके निशान टाइल फ्लोर पे बुरी तरह जमना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि कुछ टेप्स तो ईजली रिमूव हो जा रहे थे हैंड की हेल्प से, लेकिन अभी आप आगे वीडियो में देखने वाले हैं कि कुछ टेप्स जो हैं वो टाइल पे बुरी तरह स्टिक हो चुके हैं और वो ईजली रिमूव नहीं हो पा रहे हैं। टाइल फ्लोर दिखा रही हूँ जिस पे लगा हुआ टेप मुझसे ईजली हैंड की हेल्प से रिमूव नहीं हुआ, तो मैंने उस पर्टिकुलर एरिया पे रॉफ टाइल एंड सेरेमिक क्लीनर को अप्लाई किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं बहुत टाइम से इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ, इस प्रोडक्ट के बहुत सारे रिव्यूज़ मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ, तो उन वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आई बटन पे भी मेंशन कर दूंगी। अब मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि जो टेप टाइल फ्लोर से ईजली रिमूव नहीं हो पाया था उस एरिया पे मैंने रॉफ टाइल एंड सेरेमिक क्लीनर का यूज़ करा है इन स्टेन्स को रिमूव करने के लिए। अब देखते हैं रॉफ टाइल एंड सेरेमिक क्लीनर टाइल्स पे लगा हुआ टेप भी रिमूव कर देता है, टेप के स्टेन्स भी रिमूव कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो ये वो एरिया है जहाँ पे कम टेप लगे हुए थे, इसकी वजह से स्टेनिंग भी कम थी, तो स्टेन्स आराम से रिमूव हो गए हैं। लेकिन ये वो एरिया है जहाँ पे जो टेप थी वो बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी, तो इसको मैं प्रॉपरली रब करती जा रही हूँ और देखते हैं क्या इस पे लगी हुई टेप जो है वो रॉफ टाइल एंड सेरेमिक क्लीनर निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा। तो जब मैं इस एरिया को रब कर रही थी तो आप वीडियो में देख रहे होंगे कि
टाइल पे लगी हुई टेप, जमी हुई टेप इसने प्रॉपरली रिमूव कर दी है। अब टाइल फ्लोर जो है वो प्रॉपरली क्लीन होता जा रहा था। रबिंग के बाद मैंने इस टाइल फ्लोर को वेट क्लोथ से क्लीन कर दिया है और अब मैं आप सबके साथ बिफोर एंड आफ्टर पिक भी शेयर कर देती हूँ कि टेप के साथ साथ टाइल्स पे जमी हुई गंदगी भी रॉफ टाइल एंड सेरेमिक क्लीनर ने कम्प्लीटली रिमूव कर दी। मैंने इन स्टेन्स को रिमूव करने के लिए रॉफ टाइल एंड सेरेमिक क्लीनर को डायरेक्टली ही यूज़ करा है, लेकिन अगर आपके स्टेन्स लाइट हैं तो आप इस प्रोडक्ट को वाटर के साथ डाइल्यूट करके भी यूज़ कर सकते हैं। और आप वीडियो में देख रहे होंगे कि अब मैंने जो ग्लव्स पहन रखे हैं उनमें किसी भी तरह का कोई ब्रांड नेम मेंशन नहीं है, तो इसलिए उसको मैंने सीधा ही पहना हुआ है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नए हैं अगर आप इस चैनल पे, नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।